हाय, आज की इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज। अब ड्यू डेट्स और अपडेट की चिंता से हो जाएं बिल्कुल मुक्त, क्योंकि टेक्स गपशप लाया है आप सभी के लिए और आपके क्लाइंट्स के लिए ड्यू डेट और अपडेट रिमाइंडर, जिससे आप जान सकते हैं उस मंथ की सभी इम्पोर्टेंट ड्यू डेट्स और अपडेट, वो भी अपने लोगो और बिजनेस डिटेल के साथ, जो कि आपकी ड्यू डेट को याद रखने की चिंता से तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ आप अपने क्लाइंट्स या फिर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को भी रिमाइंड करा सकते हैं अपकमिंग ड्यू डेट्स बाय शेयरिंग इट थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, लिंक्डइन, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो कि हमारे बिजनेस को भी ग्रो करेगा, वो भी मल्टीपल टाइम्स। तो देर किस बात की है, आज ही नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और सब्सक्राइब करें और हो जाइए आज से ड्यू डेट और अपडेट की चिंता से कंप्लीटली फ्री। नमस्कार, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरी टेक्स गपशप की टीम से। आज इस दीपावली के अवसर पर हम ऑफिस पर बैठे थे तो हमने कहा आज टेक, इनकम टैक्स, जीएसटी की कोई चर्चा नहीं होगी, आज कुछ अलग बात करेंगे। तो हमारे मित्र हर्ष मणि पाठक आज हमारे साथ उपलब्ध हैं। आज हमने इनसे, इनकी हिस्ट्री में बहुत अच्छी पकड़ है, हिस्ट्री के लिए बात कर लो तो कोई दिक्कत आती है तो सीधा इनसे पूछा जाता है। इनसे पूछता हूँ कि भाई ये क्या क्या सीन है, ये पिछले क्या हुआ था, तो ये फिर शुरू हो जाता है और रीजनिंग फिर हम नेट पे देखते हैं तो रीजनिंग मिलती है हमें। तो आज हमने चर्चा कर रहे थे कि दीपावली भाई ये क्यों मनाई जाती है, क्या रीजनिंग है, दीपावली का क्या अर्थ है। तो वो बहुत बढ़िया बढ़िया भाई ने रीजन दिए, तो हमने कहा इसके ऊपर एक वीडियो शूट करते हैं और आप सभी के साथ शेयर करते हैं ताकि आपको भी ये जानकारी मिले कि ये रीजनिंग क्या है, दीपावली का अर्थ क्या है और इसको क्यों मनाया जाता है, क्या क्या इसके पीछे कारण है। तो सबसे पहले तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत, और भाई हमारे बहुत अच्छी हिस्ट्री में इनकी पकड़ है, तो इनसे जानते हैं कि क्या हिस्ट्री, क्या दीपावली के बारे में पहले अर्थ समझते हैं, फिर इनकी, इन्होंने जब रीजनिंग बताई है मेरे को, वो अपने व्यू जो है आपके साथ शेयर करेंगे। दीपावली का अर्थ क्या है, सबसे बड़ी चीज दीपावली, दीप प्लस अवली शब्द है, दीपों की कतार। ये हमारे पुराने बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा है, ये पर्व महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है हर व्यक्ति। लेकिन सबसे पहले जो मेन कारण है, शायद सभी को पता है, मुझे लगता है कि सभी को पता है ये चीज, कि भगवान राम जब वनवास से लौटे थे माता सीता को लेकर, भगवान भाई लक्ष्मण को लेकर के, और साथ में हनुमान जी और राजा सुग्रीव भी उनके साथ आए थे अयोध्या में, तो इस खुशी में अयोध्या वासियों ने सोचा कि भगवान के स्वागत के लिए कुछ बड़ा किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि हर घर में, हर दरवाजे पर, हर चौखट पे दीपक जलाया उन्होंने कि भगवान राम आएंगे अपने पुष्पक विमान से, तो और उनके स्वागत के लिए वो देखेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। तब उन्होंने ये चीज़ें, अयोध्या वासियों ने भगवान राम के आने के उपलक्ष में ये चीज़ें करी, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि दक्षिण भारत में एक नरकासुर नाम का राक्षस था। उस राक्षस ने क्या किया था कि स्वर्ग में जाकर के भगवान इंद्र से उनका मुकुट चुरा लिया था, और मुकुट चुराने के बाद वो फिर भगवान इंद्र ने अब विस्थापित हो चुके थे वहां से, स्वर्ग से, इसीलिए भगवान इंद्र ने सोचा कि अब चलो भगवान कृष्ण के पास, वही कुछ मदद करेंगे हमारी। तो जो नरकासुर थे वो माता सत्यभामा के पुत्र थे, और नरकासुर को एक श्राप वरदान मिला हुआ था कि आपकी मृत्यु जब होगी तो आपके माता के हाथों से ही होगी, तो उनकी माता के हाथों से उनकी मृत्यु लिखी थी। इसीलिए इंद्र ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे को अपना स्वर्ग वापस चाहिए, और माता ही उनका वध कर सकती है अपने बेटे का, तो इसीलिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने वाले भगवान कृष्ण माता सत्यभामा को लेकर स्वर्ग में गए, और माता द्वारा, सत्यभामा द्वारा उस नरकासुर की उन्होंने वध कराई, और फिर वापस उस मुकुट को उन्होंने इंद्र को दिया। तीसरा रीजन ये है कि जब कौरव और पांडव में लड़ाई हो रही थी, जब जुआ हो रहा था, जब लड़ाई होने से पहले जब जुआ हुआ था उन आपस में, उन भाइयों के बीच में सिंहासन के लिए, तो दुर्योधन ने तो युधिष्ठिर को जुए में हर चीज
जीत लिया था दुर्योधन ने उनसे, हर एक चीज उनका मुकुट भी से जिन्होंने इवन उन्होंने द्रौपदी का भी एक तरह से उन्होंने शोषण कर लिया था, हार गए थे वो, इसका मतलब कि हार चुके थे वो, तो इसीलिए द्रौपदी का शोषण तो हुआ ही था जब भगवान कृष्ण ने उनके लिए चीरहरण का जो कांड पता है सभी को कि चीरहरण का कैसे भगवान ने उनको साड़ियाँ बढ़ाई थी, तो उसके हिसाब से तो उसके उपलक्ष्य में जब वो उनका वनवास हुआ ना अपने राज्य से विस्थापित हुए, जब वो जो वनवास में गए 12 वर्ष के लिए वनवास में गए, प्लस 1 वर्ष और होता है अज्ञातवास, अज्ञातवास में वो ऐसे थे कि किसी को नहीं पता कि वो कहाँ रहते थे, किसके यहाँ है, वन में है कि किसी के घर में, किसी को नहीं पता था, लेकिन 1 वर्ष उनको तो 12 + 1 वर्ष अज्ञात रहते थे। जब वो वापस लौटे अपने राज्य हस्तिनापुर में तो उनके स्वागत के लिए भी कुछ उनके जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स जो उनके, उन्होंने क्या किया कि उनके आने की खुशी में भी उन्होंने भी दीपों का उत्सव मनाया कि चलो भाई आए हैं हमारे 13 सालों के बाद आए हैं हमारे राज्य के राजा, तो हम ये अपना दीपावली उनको इस खुशी से उनको दिखाते हैं कि हाँ आपके आने की हमें बहुत खुशी है। ऐसे ही एक कहावत कहानी और है कि कहानी नहीं हकीकत है सिख धर्म की, सिख धर्म में जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, उसका नींव दीपावली के दिन ही रखा गया था कहते हैं। उसके बाद एक तीसरे गुरु थे, मेरी समझ से तीसरे गुरु थे, जो उन्होंने क्या किया बोला था पूरे अपने राज्य में, पूरे जो भी उनके अनुयायी थे फॉलोअर्स थे उनको बोला था कि आप लोगों के लिए मेरा द्वार, गुरु का द्वार हमेशा के लिए खुला हुआ है, आप आइए और जो भी प्रार्थना करना है गुरु से करिए और आपकी हर एक चीज़ हम कोशिश करेंगे कि पूरा करें। तो उस उपलक्ष्य में वो भी दिवाली के दिन ही शुरू किया गया था, इसलिए भी सिख धर्म में भी इस चीज़ की मान्यता है, हिंदू धर्म में तो है ही, बहुत सारे और भी रीजन है लेकिन हमें जितना पता था आपको बताया हमने, ठीक है मोहित जी। तो इतना हमें एक्चुअली हम कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं उसके पीछे रीजनिंग क्या है वो पता होनी बहुत जरूरी है, हम अगर बिना रीजनिंग के कुछ कर रहे हैं उसका वो मजा नहीं है, मजा नहीं। इसलिए हमने कहा जैसी भाई ने ये चीजें बताई ना, मैंने कहा इस पे वीडियो शूट करते हैं ताकि और लोगों के पास भी ये सर्कुलेट हो और उनकी क्या इस पे राय है वो जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, आप कमेंट बॉक्स पे प्लीज मेंशन कीजिएगा। और जोड़ना चाहूंगा कि जो पटाखे छोड़ते हैं हम, ये हम एक हर्षोल्लास के लिए छोड़ते हैं, लेकिन स्पेशली जो पर्व है हमारा दीपावली, ये दीपों के जलाने से ही शोभित होता है। अभी देखिए मोदी जी कैसे अयोध्या में जाकर के कर रहे हैं, योगी जी ने अयोध्या में कई लाख जलवा दिए हैं, उसके बाद हर साल जब से वहाँ पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं योगी आदित्यनाथ, तब से अयोध्या में शुरुआत की गई है दीपों के जलाने की प्रचलन। सबसे देखिए भगवान ने भी अपने लिए बहुत कुछ कर लिया, वहाँ पे भगवान का मंदिर भी बन रहा है, तो इस बार 2022 के दीपावली में मोदी जी भी गए हुए हैं, आज गए हुए हैं वहाँ का जो भी दीपोत्सव है उसको देखने के लिए। तो मेनली ये दीपों का त्यौहार है ना, कि पटाखा बस बच्चों के एंजॉय के लिए हम उसको पटाखे वगैरह छोड़ते हैं, हमने भी छोड़ा है, बहुत छोड़ा है बचपन में, तो बहुत कर रहे हैं लेकिन बहुत सालों से नहीं करे, जब से समझ आया पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और अपनी अपनी आपसी वो अंडरस्टैंडिंग है राइट, तो इस पे कोई वो नहीं है, अपना अपना व्यूज है इसके ऊपर, लेकिन हमारी वो है कि नहीं अब नहीं तो नहीं, बहुत सालों से छोड़ दिया राइट। तो मेन बात यह है कि रीजन पता होना, आज हमें जो रीजन पता लगे भाई से बहुत बढ़िया बेहतरीन रीजन कि क्यों दीपावली मनाई जाती है राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट है आपका कमेंट बॉक्स पे इस वीडियो के लिए क्या व्यू है आप बताइएगा, आपको कोई और रीजन अगर ज्ञात है तो प्लीज वो भी बताइएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन फैलाने से जो है सबकी नॉलेज एनहांस होती है राइट। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जैसे हमारी लाइन रहती है। तो जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।